साथियों को नमस्कार। बहुत दिन बाद आप सभी से लाइव रूबरू हो रहे हैं। हम सभी साथियों, जैसा कि आप सभी को बड़ा ही बेसब्री से इंतजार था, सीधा कीजिए। आप सभी को अपने रिजल्ट प्रकरण को लेकर के बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। उसी प्रकरण में हम, जैसे कि आपको बताया ही थे कि हम लोग जा रहे हैं आज PNP, आप सभी को जो भी रिजल्ट संबंधी जो भी अपडेट होगी सारी अपडेट दी जाएगी। तो उसी प्रकरण में साथियों, हम सभी आए यहाँ PNP, हम और हमारे टीम के सदस्य हैं, सभी से का परिचय करा रहे हैं। उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे, जितने लोग भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि पहले प्रयास ये करें कि आपको उचित लगे कि हमारी बात सभी तक पहुँचनी चाहिए। जितने लोग भी मान लीजिए डीलेट प्रशिक्षु हैं, जिनको भी अपने रिजल्ट को लेकर के जानकारी चाहिए, उन तक अगर आप पहुंचा सकते हैं हमारी वीडियो तो पहुंचाइए। और ऐसी अपडेट के लिए अगर पेज से जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। चलिए हम अब बता दें, जो हमारे साथी आए हैं उसके बाद हम बता रहे हैं क्या सचिव जी से वार्ता हुई। हमारे साथ अमित ओझा जी हैं, प्रयागराज से अभिषेक जी हैं, प्रयागराज से अश्विन शुक्ला जी हैं, प्रयागराज से सुनील जी हैं, सत्येंद्र सिंह सीटू भैया हैं, पीछे शिवम तिवारी हैं, 17 बजे से आलोक मिश्रा जी हैं, पंकज भैया हैं, मनोज यादव, इधर नीरज जी हैं, प्रयागराज से हैं, सक्रिय सदस्य हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं और हमारे कई सक्रिय साथी यहाँ पे मौजूद हैं। साथियों, जैसा कि सचिव जी से वार्ता हुई, उन्होंने स्पष्ट बताया और ये चीज़ें, पहली चीज़ तो उन्होंने कहा कि 15 तक, जैसे हम लोगों ने बात किया कि कब तक आएगा रिजल्ट, तो उस प्रकरण में उन्होंने बताया कि 15 तक हम देंगे रिजल्ट। लेकिन हमारी टीम जो गई थी अंदर, उन्होंने दबाव बनाया और बोला गया कि आप हमारा रिजल्ट हर हाल में 10 तक दीजिए, क्योंकि और उनको ये भी अवगत कराया गया कि जब यहाँ पे लखनऊ में धरना चल रहा था बैग प्रकरण को लेकर, जितने भी साथी हम लोग के थे, उनको यह सांत्वना दी गई थी कि आपके जनवरी लास्ट तक में हर हाल में आपके पेपर हो जाएंगे, तब वो सारी चीज़ें खत्म की गई थी। लेकिन अगर 10 तक मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता है तो बैंक वालों के लिए ये दिक्कत हो जाएगी, उनका जनवरी लास्ट तक आप कैसे एग्जाम कराएंगे। तो इसलिए हम सचिव जी को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि अगर आप जो है ये जितना भी सेमेस्टर रिजल्ट है अगर 10 तक नहीं जारी करते हैं तो आपको हम बता देना चाहेंगे, फिर जैसा धरना प्रदर्शन होता है आप सभी भी तैयार रहिएगा, आपको आह्वान किया जाएगा और जल्द से जल्द आपको अपना रिजल्ट घोषित कराना है। तभी मान लीजिए ये जो बताए हैं कि जनवरी लास्ट तक आपके पेपर होंगे, तभी ये सारी चीज़ें हो पाएंगी। तो हमारे साथ सीटू भैया हैं, सीटू भैया नीरज जी हैं, कुछ कहना चाहेंगे सीटू भैया? नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों को। जैसा कि आप सभी के मन में जो इस समय सबसे बड़ी बात चल रही होगी कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, और आगामी जो फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी नहीं डेट घोषित हुई है वो कब तक होगी। तो जैसा कि SCERT से विज्ञप्ति जारी हुई थी उसमें बताया गया था जनवरी अंतिम सप्ताह में परीक्षाएं होंगी, लेकिन जो PNP का रवैया है और SCERT का रवैया है उससे अभी तक का जो देख रहे हैं आप लोग कि अभी इन्होंने कहा था कि तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट हम दिसंबर लास्ट तक घोषित कर देंगे और आज जनवरी हो गई है, अभी तक कोई सभी जगहों से जितने डायट हैं सभी जगहों से अंकचिट तक नहीं आई है। तो इस स्थिति को देखते हुए, जैसा कि हम पर्सनली भी कई जगह से पता किए, अभी कई डायटों में मूल्यांकन कार्य पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों की परीक्षा, फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ समय से हों और आप लोग भी आने वाले टेट और सुपर टेट जो भी भर्तियाँ आएंगी उसमें वैध रूप से शामिल हों, तो सभी लोग पहली बात मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरह से संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाइए। क्योंकि देखिए, जो सचिव जी ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक भरोसा दिया है। ये भी बता दूं स्पष्ट कि 10 तारीख तक आपका रिजल्ट घोषित होने के लिए अभी कोई भी मुझे नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, क्योंकि तैयारियां जो हैं इनकी बहुत ही लचर तरीके से चल रही हैं, कहीं भी कोई व्यवस्था सही रूप से नहीं चल रही है। इसलिए 10 तारीख तक इंतजार कर लीजिए और मन ही मन अपनी तैयारी बनाते रहिए। 10 तारीख के बाद जल्द ही आप लोगों को एक तिथि अवगत कराई जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, उस तिथि पर किसी से पर्सनली कहने की जरूरत नहीं है, सभी लोग एकदम तैयार रहिए। अगर चाहते हैं कि जनवरी अंतिम सप्ताह में आपकी परीक्षाएं फोर्थ सेमेस्टर की हो, तो सभी लोग कमर अभी से कस लीजिए। बिना संघर्ष के ये कतई संभव नहीं है कि आपका रिजल्ट
आप आएगा समय से और आपकी परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर जो लोग नहीं दे पाए हैं उनकी परीक्षाएं समय से होंगी। जैसा कि साथियों सीटू भैया 15 वर्ष से लगातार आप लोग लिए संघर्ष कर रहे हैं, हर मतलब कि जो कि भैया का नहीं है तब भी आते हैं, सारी अपडेट मतलब कि जल्द से जल्द हो। और जैसा कि परीक्षा नियामक सचिव जी के मतलब आनंद भाई भी थे, ज्ञापन दे दिया गया है, आश्वासन दिए हैं कि 10 मतलब 15 तक रिजल्ट आएगा, लेकिन हमको उनके आश्वासन से काम नहीं चलाना है। अगर साथियों आपको 4 सेमेस्टर जनवरी में पेपर देना हो 10 तारीख के बाद किसी भी डेट में धरने का आह्वान हो, आप लोग जरूर आइए। अगर आपका रिजल्ट यथा समय जल्द से जल्द पाने के लिए समय पे कार्य हो, अगर आप नहीं आते हैं इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। हम लोग का काम यहाँ जितने साथी हैं सब प्रमोटेड हैं, तब भी आप लोगों के लिए संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि 18 बैच के कुछ साथी अगर छूटेंगे, कुछ आगामी भर्ती में शामिल होंगे, ये चीजें सही नहीं होगी। अगर अब आप आगे नहीं आते तो जिम्मेदार स्वयं होंगे, 10 के बाद किसी भी डेट में धरने का आह्वान होगा, आप आइए। अगर आपको यथा समय रिजल्ट चाहिए, और PNP का पुराना रवैया बिना संघर्ष रिजल्ट आता नहीं, और यहाँ लगातार लेट होगा जनवरी में, अभी इनके अनुसार पेपर नहीं हो सकता है, सचिव जी के अनुसार आश्वासन मिला है। अगर आपको चाहिए तो आइए, बाकी टीम संघर्ष करेगी, टीम से जुड़िए और लगातार मतलब आपके प्रयास हित में कार्य करेगी। आगामी टेट मार्च में संभावित है, आप लोग पढ़ाई जारी रखिए। देखिए बैक वाले साथी, आज तक के डीलेट में इतिहास ही है कि इतने दिन धरना चला था लखनऊ में, तो उनकी सक्रियता जो है अब वो कम ना होने पाए। ठीक है, जितने भी एकजुट है बैक के साथी, अब उनको जरूरत पड़ेगी, अगर उनको जनवरी लास्ट तक अपना पेपर कराना है तो उनको फिर से वैसे ही धरने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना दबाव के कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो लचर रवैया है यहाँ का वो देख पा रहे हैं कि उस हिसाब से तो नहीं हो पाएगा। जिंदाबाद। देखिए भैया बैक की संख्या 70,000 है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप केवल 700 लोग आ जाइए, डेट ना घोषित करवा दीजिए, बताइए और आप लोग संघर्ष करिए। अगर आप संघर्ष नहीं करते आगामी भर्ती से बाहर है, फिर आप यूपी बोर्ड आ रहा है, पंचायत का चुनाव आ रहा है, काफी बाधाएं आएगी। अगर आप 10 तारीख के बाद सक्रिय नहीं होते रिजल्ट के लिए, अपने भविष्य के लिए, हम मानते हैं आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बेसिक में अगर जाना हो संघर्ष करना पड़ेगा, इसलिए 10 के बाद मजबूती से तैयार रहिए। हर जिले के साथी कॉल मैसेज न करके जमीनी स्तर कार्य करने का प्रयास करें, और 10 के बाद PNP आए और न डेट घोषित हुआ रिजल्ट की बताइएगा। रिजल्ट अपलोडिंग जब तक नहीं लगेगा तब तक धरना चलेगा यहाँ पे, ये कह रहे हैं। और जितने भी साथी मान लीजिए 4 सेमेस्टर अब एक तरीके से उनके एग्जाम हो गए हैं, उन लोगों का अपना फोकस ये करना है कि जैसे CTET एग्जाम लगा हुआ है 31 जनवरी को, तो जिनका अभी नहीं निकला है, हर हाल में आप टेट या CTET पास होने चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए पास अंतिम मौका है और आगामी शिक्षक भर्ती के शामिल हो रहे हैं, और 18 बैच के हर एक साथी आगामी भर्ती में शामिल है। पढ़ाई जरूरी है, जितना जरूरी पढ़ाई है उतना जरूरी संघर्ष भी है। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें अगर समय से होती रहेंगी तो आपके लिए पढ़ाई बढ़िया रहेगी। मान लीजिए किसी कारणवश आप भर्ती और टीम नहीं शामिल हो पाएंगे तो ये दिक्कत हो जाती है, तो आपसे निवेदन है कि अपनी सक्रियता बनाए रखें। ठीक है, जो बैक वाले साथी बहुत एकजुट है हमें समझ रहे हैं, वो उनकी सक्रियता कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनको जरूरी है। अगर साथियों जैसा कि लगातार लोग कहते हैं कि 18 बैच एकजुट नहीं है, सभी साथियों को बताना चाहिए जितने भी संगठन है आगामी भर्ती का 18 बैच की बात आई, सभी एकजुट होकर साथ संघर्ष करेंगे, और सभी का 18 बैच के हर एक साथी का हमें किसी बैच से नहीं मतलब है, 18 बैच से मतलब है, और 18 बैच के लिए हर एक संघर्ष करेंगे, चाहे हम हुए आनंद जी हुए कोई भी हो संघर्ष करेंगे, आप लोग तैयार रहिए। साथियों जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष अनंत प्रताप सिंह और अभिषेक तिवारी और बड़े भैया सत्येंद्र सिंह सीटू भैया ने आप सभी को अवगत कराया कि आप लोगों की भी आवश्यकता पड़ेगी संघर्ष के लिए, एक आदमी कभी संघर्ष नहीं कर सकता। हम लोग प्रमोटेड हैं, हम लोग 4 सेमेस्टर का एग्जाम दिए हैं, लेकिन 3rd सेमेस्टर में जो साथी अभी एग्जाम दिए हैं उनका 4 सेमेस्टर कराने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। हम ही लोग कुछ नहीं कर सकते, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, आप लोगों को भी आना होगा, यूनिटी दिखानी होगी, और सचिव जी ने जो आश्वासन दिया है उस पर हम लोगों को अधिक नहीं रहना, हम लोगों को अपनी रणनीति बनाए रखना। और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जैसा अभी बताया कि अगर 10 से 15 जनवरी के बीच में रिजल्ट नहीं देते हैं या इनका सकारात्मक रवैया नहीं सामने आता है तो एक रणनीति के तहत बड़े धरने का आह्वान किया जाएगा, उसमें आप सभी को आना पड़ेगा। हम सभी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ही मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर संयुक्त मोर्चा संघ या कोई भी संगठन कोई भी धरना आयोजित कराता है तो उसके सिर्फ पदाधिकारियों का
दम पे कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों को आना होगा, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी और अपने लिए संघर्ष करना पड़ेगा, किसी और के लिए नहीं। और लास्ट में आप लोग सीटेट एग्जाम है 31 जनवरी को, उसके लिए तैयारी करिए और टेट की भी तैयारी करिए। और आगामी भर्ती में 18 बैच के सभी साथी सम्मिलित हैं, इसके लिए आप चिंता मत करिए और जल्द ही आप लोग शिक्षक बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। प्रयागराज से नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो भी कहा आप लोगों से उस पे अमल करिए और इनका साथ दीजिए, और इनका साथ देंगे तो सारा कार्य जल्द से जल्द होगा, नहीं तो आप लोग झेलते रह जाएंगे। और दूसरा नंबर कि मतलब यहाँ पे जब भी जरूरत पड़ेगी हम आप लोगों को सूचित किया जाएगा लाइव से या फोन के माध्यम से, तो यहाँ पे धरना देने का काम करेंगे और जल्द जल्द रिजल्ट अपना घोषित करवाइए। सभी लोगों की एकजुटता जो है आप लोग पे ही निर्भर करती है, सक्रियता। ठीक है, आप लोग दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है सकारात्मक। देखिए अभी तक जो भी चला एक तरीके से 18 बैच ठीक ही था, ये बैक वाला थोड़ा गड़बड़ाया बीच में, लेकिन आप लोगों की सक्रियता की वजह से सारी चीजें समय पर हो रही हैं। अब ये ना हो कि थोड़ा सा लास्ट में गड़बड़ा जाए थोड़ा सा आपकी निष्क्रियता की वजह से। इसलिए सभी छात्रों से निवेदन है, पहले तो जितने लोगों तक प्रयास ये कीजिए कि हमारी बात सभी तक पहुंचे। तो जितने लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं सभी तक पहुँचा दीजिएगा, और जो लोग अगर जुड़ना चाहें हम लोगों से तो जुड़ सकते हैं। पेज है, मान लीजिए नंबर नहीं है नोट कर लीजिए, किसी प्रकार की दिक्कत होती है लिख लीजिए। मैं अपना नंबर बोल रहा हूँ 8924999567। किसी को किसी प्रकार की समस्या होती है, जाहिर सी बहुत सारी डीलेंड में समस्याएं आती हैं, तो अगर दिक्कत हो तो आप कॉल या मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है साथियों। अब जैसे यहाँ इन्होंने बताया ही है, हमने इनको स्पष्ट बता दिया है कि अगर आप 10 तक ज्ञापन भी दिए हैं, इनमें पूरा बताया भी गया था, आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखिए 10 जनवरी तक इसमें हमने लिखा है कि पहले तो सभी सेमेस्टर परीक्षाएं 10 जनवरी तक कराई जाएं, रिजल्ट जो है उनका 10 जनवरी तक हो जाए। और फिर हमने ये बताया है जो SCERT निदेशक जी सर्वे विक्रम सर द्वारा इस पर जारी किया गया था कि जनवरी लास्ट तक जो है आप लोगों का सेमेस्टर एग्जाम करा दिया जाएगा। वो चीज़ से भी सचिव महोदय से अवगत कराए हैं, SCERT में भी अपनी टीम को भेजे हैं कि जो है आप बात कीजिए सर्वेन सर विक्रम सर से कि यहाँ पे कुछ दबाव बनाए। जो उन्होंने हम लोगों को बताया था, वादा किया था कि जनवरी लास्ट तक पेपर हो जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें हों। चलिए ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है हमारी बात को सभी डीलेट प्रशिक्षुओं तक पहुँचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो जिनको अगर लगे उचित कि हाँ जुड़ना चाहिए तो पेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। चलिए हमारी बात सभी तक पहुँचा दीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।